आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 634वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र क्या है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सब कुछ निःशुल्क पर मौन है, भाजपा की में मोदी की गारंटी हो बनाम कांग्रेस के न्यायपत्र हो। देश में अगर निशुल्क कुछ देना है तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ही होना चाहिए पूरी तरह निशुल्क। लिमटी की लालटेन के 634वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान में अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26, फिर 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 7वें व अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 जून को की जाएगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी सियासी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के लिए 370 सीटें तो गठबंधन सहित 400 पार का नारा दिया है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने प्रयासों से भाजपा को चुनौती देती नजर आ रही है। भाजपा का घोषणा पत्र अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को जारी किया गया, इसे मोदी की गारंटी कहा गया है। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी हुआ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। मोदी की गारंटी शीर्षक से इस बार जारी हुए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि 80 करोड़ परिवारों को आने वाले 5 सालों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी। ये राशन की व्यवस्था क्या पार्टी फंड से की जाएगी? जाहिर है नहीं। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने, गरीबों को घर देने, वन नेशन वन इलेक्शन पाइपलाइन के जरिए घर घर रसोई गैस ले जाने, देश हित में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएं तलाशने, पूरे देश में वंदे भारत रेलगाड़ी, वंदे भारत ट्रेन का विस्तार, सभी को स्वास्थ्य बीमा देना, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, मुद्रा योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वालों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने सहित अनेक लुभावनी गारंटी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, मोदी की गारंटी में दी गई है। वहीं कांग्रेस पर की घोषणा पत्र पर अगर हम नज़र डालें तो कांग्रेस द्वारा जारी न्याय पत्र नामक शीर्षक में जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन 400 रुपये प्रतिदिन, 12,000 रुपये महीना लगभग होगा, 30 लाख रिक्त पदों पर भर्ती, स्वास्थ्य के लिए राजस्थान मॉडल को लागू किया जाएगा जिसमें 25 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा, किसानों के लिए, किसान जितने भी हैं उन किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस को कानूनी गारंटी देने के लिए, इसके अलावा व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वे और जाति जनगणना कराने, SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित करने, परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने, 15 मार्च 2024 तक के सभी एजुकेशन लोन माफ करने, 2025 में महिलाओं के लिए केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण सहित अनेक लुभावनी बातें इसमें कही गई। कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य कोई राजनीतिक दल, सभी के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे, तरह तरह की गारंटी दी जा रही है। कोई भी सियासी दल या सियासी दल का नुमाइंदा इस बात पर चर्चा करने या इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने को तैयार नहीं है, इसका साहस नहीं जुटा पा रहा है कि आखिर देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के साधन बढ़ाने के बजाय सब कुछ निःशुल्क क्यों दिया जा रहा है। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि एक युवा को अगर अनाज सहित सब कुछ निशुल्क मिलेगा तो वो कमाने के लिए प्रेरित कैसे होगा, परिवार को पालने के लिए, आजीविका कमाने के लिए प्रेरित कैसे होगा।
देश में अगर सब कुछ निशुल्क करना ही है तो निशुल्क नहीं किया जा सकता। अगर कुछ निशुल्क करना है तो बस दो ही चीज़ें निशुल्क होनी चाहिए, पहली शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल ही अस्तित्व में देश में रहें, निजी शिक्षण संस्थानों को सरकार में मर्ज किया जाकर शिक्षा को सरकारी स्तर पर ही दिए जाने का प्रावधान, कानूनी प्रावधान बना दिया जाए। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा, नौकरशाह का बच्चा हो या भ्रष्ट का बच्चा, सभी एक ही शाला में शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए न्यूनतम राशि एक फिक्स कर दी जानी चाहिए, तय कर देनी चाहिए, 100, 200, 300 रुपये साल हर व्यक्ति से अनिवार्य रूप से वसूल किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही निजी कोचिंग संस्थाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पढ़ाई पाठ्यक्रम आदि लेकर प्रयोग बंद होने चाहिए। बच्चों को शुरुआती दौर में ही मूल्य आधारित शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा देने की महती जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले एक दशक, सिर्फ 5 से 10 साल में ही देश की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आ सकती है। गुरुकुल आप देखते होंगे, गुरुकुल जब पुराने गुरुकुल हुआ करते थे तो वहाँ पर लकड़ी बीनने से लेकर खाना बनाने तक की शिक्षा भी गुरुकुलों में दी जाती थी, आज वो सब बंद हो चुकी है। सोशल मीडिया पे इस तरीके के बहुत से उपहास चल रहे हैं कि थीटा, गामा या ग्या, रा, इन शब्दों का उपयोग अब तक क्यों पढ़ाया गया, ये भी सोशल मीडिया पर लोग इसका उपहास उड़ाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य का मामला है, कैशलेस बीमा कराने या उसका प्रलोभन देने की आवश्यकता ही क्या है। देश के हर नागरिक को 100-150 रुपये सालाना टोकन राशि लेकर अनिवार्य तौर पर ये राशि ली जाए उनसे, 100 या 150 रुपये, इसका डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाए, उसके आधार या अन्य जो भी उसके पास नंबर वाले आई कार्ड हैं उन्हें डाला जाए। जब भी कोई मरीज इलाज के लिए जाएगा वो अपना आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसके नंबर से पूरी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी और उसका इलाज आरंभ हो जाएगा। सारे इलाज सरकारी अस्पताल में ही आरंभ करवा दिए जाएँ, सारे इलाज सरकारी अस्पताल में ही अगर किए जाते हैं और बीमार होने पर सरकारी अस्पताल में इलाज के साथ ही दवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएँ। इस तरह निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आज 40-60% तक का बिजनेस या लाभ मुनाफा इसमें है। देश में अगर सुशासन लाना है तो लोगों को पढ़ा लिखा बनाना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, स्वस्थ रखना भी पहली प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि सब कुछ निशुल्क प्रदान करना। वर्तमान समय में प्रशिक्षित शिक्षकों, उचित माहौल और अन्य सुविधाओं के अभाव में अनेक प्रतिभाएँ शैशव काल में ही दम तोड़ दिया करती हैं। इन सारी बातों पर देश के हुक्मरानों सहित नीति निर्धारकों, आम जनता अर्थात मास को संचालित करने वाले विशिष्ट लोग अर्थात क्लास को विचार करना चाहिए, शायद तब हमारा देश, हमारे देश के विश्व गुरु बनने के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें ही निःशुल्क होनी चाहिए, सब कुछ सशुल्क और रोजगार के साधन सबसे ज़्यादा होने चाहिए। लिमटी की लालटेन के 634वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें, लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 635वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।